आया ये पवनदीप को जानते है ना, पवनदीप राज उसका मम्मी का साथ फोटो। चाचा मंद मंद मुस्कुरा रहे, पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहे हैं। और देखो ये दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है निर्मला और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर तराई क्षेत्र में। हाय को पाली, हाय बुढ़िया पाली भाई कदम, हाय दोस्तों, हाय। तो अभी बजे दिन के 11 और हम बैठे हुए हैं अभी धूप में, धूप से गए क्योंकि यामा भी बैठे हुए हैं जो कि पहाड़ से आए हुए हैं। ये है मेरी दरानी की अम्मा और वहाँ अपनी जेठानी को, वो वहाँ से हमको देख के मन उसका यही आने का हुरख है। ये देखो गैस तो धरा तो नहीं पहले, तो बता फिर मैं खुदा बना लीजो, मैं यस करूँ दिखाओ या बटी हूँ सीधे यहाँ किचन में फाट में का सुधा सी दिन आ गई ना मम्मी उदय से के मम्मी को सबसे उदय सभी यहाँ की मिला देंगे। ओए हो गया यार, आज के लिए इतना ही कर रहा हूँ। ये देखो चाची लोग सब यहाँ पे काम, और चाचा भी कर रहे हैं यहाँ पे काम। आजकल हमारे यहाँ घरों का काम बहुत जोर शोर से चला हुआ है, चाची लोग ने इतना बड़ा घर लगा दिया। ये लगा दिया ना हम, चाची बधाई हो तुमको, इतना बड़ा घर लगा दिया तुमने। क्या लग रहा है बिल्डिंग? बिल्डिंग दो मंजिल है कि 300 एक मंजिल? ये देखो, और चाची यहाँ खुद मिस्त्री वाला काम कर रहे हैं। यहाँ ये सारे पत्थर फैला दिए हैं और कल को इसमें वो डाल रहे हैं बरामदा। बरामदा डालोगे ना कल को इसमें, है ना? अच्छा पेपर मिलकर राख डालोगे। चाचा मंद मंद मुस्कुरा रहे, पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहे हैं। और आगे ये दुल्हन को भी हंसी आ रही है। ये देखो ये खाली बनाई ना ये, अब इतना तो सीमेंट बर्बाद हो गया ठहरा, खाली क्या फायदा ठहरा ये डिजाइन बना के। तुम्हारे तो यहाँ पर अच्छी लग रही है, हमारी तो वो टूट गई, नहीं बनाते थे साथ साथ। आप सुनो तो पहले तब तो डिजाइन बढ़ा हो। हाँ हमको गंदा लग रहा है। अच्छा हाँ, नानी के घर गई है कहा वो किस वक्त गई? सुबह। अच्छा, आँखों का ऑपरेशन हो रहा है। किसका हो रहा आँखों का ऑपरेशन? नानी का। अच्छा, तब गई हो? गुंजन की मम्मी का। हाँ गुंजन की, तब गई हो काम करने के लिए, मम्मी का हेल्प करने के लिए। वो काम जो करेगी कुंजन उसको जो संभालेगी डिम्पू को। काजल तो काजल ठहरी काम करने वाली, काजल नहीं जा रहा वहाँ। काजल अभी काजल जाता है जो उसको डेढ़ रुपये लिए बनाना, ऐसा हो रहा है हमारा काम बता। बिल्कुल अच्छा, ये जनता जवाब देगी तुम्हारा काम कैसा हो रहा है। पहले जनता से पहले तू देगी जवाब? नहीं, जनता जवाब देगी। कल को गाइस बताना हमारा काम कैसा हो रहा है। कल को गाइज बताना हमारा काम कैसा रहा। सुबह से हम थक गए हैं और हमारा काम है ना, एक भूख भी ना गंदा लग रहा है हमको, फिर काम में थक गए हम। अब चाय पियोगे? चाय बना के ले आओ। चाय बना दी, चाय पी भी लिया हमने। अब काम करना है, शाम को हमें रेता पहुँचाना है ऊपर, और अभी आप खा नहा दे धोते हैं बस, फिर आराम से खाना खाते हैं। नहा धो तो तुम्हें सुबह दिया होगा? हाँ, नींद आया मैंने। अच्छा। आप बबली का, बबली ने नहाया मंदिर में दिया है ज़्यादा, मैंने नींद आया। अच्छा, नहा काम करके। अच्छा, फिर उसके बाद सुबह हम तो सामने हमने रेता तो हेल्प करके आएगी। हाँ बिल्कुल, और क्या करना है, बस इतना ही करना है। प्यारी बहू लेके आ गई है पानी। बहू आज बहुत सुंदर लग रही है क्योंकि पीले पीले कपड़े पहने हुए बहू ने। ना बहू
मेरी बहू को नजर मत लगाना। हाँ खूबसूरत लग रही है पीले कपड़े पहन के। पानी पी। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया है एक साड़ी बेचने वाला और हम देखते हैं अब साड़ी देख रहे हैं हम देखते हैं खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं। बहन मंगला जाने वाले खूब वाले माइका कहाँ है बहन? बोलना पहाड़ पूरा जानते हैं 17 साल हो गया। चंपावत। अच्छा चंपावत से ही आया। ये पवन दीप को जानते हैं ना? पवन दीप हाँ। उसका मम्मी के साथ हमारा फोटो अधिकार है, उसका बहन के साथ हमारा फोटो अधिकार है। उनका मम्मी 5 साड़ी लिया पवन दीप को। मम्मी को जानते हैं? देख ले पहले उनका कौन सी वाली है मम्मी? उधर वाला मम्मी है जिन्होंने ये वो ना। हाँ हाँ हाँ। अरे ये आप ना? हाँ ये देख बहन और देख उसका बहन को देख। ये देख चुप जा उनका मम्मी ना ये उसका मम्मी देख। अच्छा पूरा पवन दीप का जैसा है ना। हाँ। अरे उसका घर देख। ये देख बहन उसका घर 2 मंजिल घर है ना। ये उसका घर है। पैसा वाला है ना? पैसा हो गया माँ उनका पैसा हो गया ना। बहुत अमीर लोग है। ये छोटा बहू है और ये बड़ा हूँ। इसको देख के छोटा लग रहा है, छोटा है। ये खाना खाते नहीं है बहन? छोटा बहन खाना नहीं खाता। ये भी बड़ा ही है, मजाक कर रही हूँ। ये देख बहन तेरा जैसा हमारी 2 बहन है घर में। ये देख एक ये कलर है, एक ये कलर है बहन ना। ये दोनों है और ये जो खादी है ना मम्मी लोग लाए कि हमारा माँ पहनता है ना, हमारा पापा नहीं तो मम्मी ये खादी पहनता है। खादी बहुत सॉफ्ट साड़ी है। ऐसा नहीं ऐसा देख, ऐसा देख कपड़ा कपड़ा देख ले। ये खादी है, ओरिजिनल खादी इसको कहते हैं, ओरिजिनल खादी है। ये कलर है और ये पार्टी वेयर साड़ी है मैन। इसमें कलर है ना? ये भी अच्छी है, सुंदर है। हाथ मत लगा बहन, कोई लॉजिक होगा ना इस पर हो जाता है। अच्छा हम खोल के दिखा देते ना लेने के बाद, पूरा लंबा चौड़ा दिखा देते बहन। देख ईमानदारी का रोटी रहता है बहन, बेईमानी का नहीं रहता कम नहीं करते। ये 900 का है एक ही दाम, कम ना ज्यादा ना, बात सुन ले। ये 900 का है, ये 2500 का है, 2500 का है, ये 4500 का है, सुन ले, ये 3500 का है, ये 4500 का है। ये सारे नहीं 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 सब एक ही, सुन ले पहले। ये रेशम है ना रेशम, जैसे ये 4500 का मैं लिखी ना, इसके साथ हम लोग गिफ्ट माजी का ना बेटा गिफ्ट इसके साथ दे, ये वाला दे काला वाला ये मिले दुकान में, इसको आपको ना दे दिमाग में सोच जाए भैया ज्यादा बोले फिर गिफ्ट ना भाई। इसके साथ ये दी ये दिख रहा है नहीं 45 टका 35 टका है 45 टका एक एक इसके साथ ये दी ये दुकान में आपको ना दे अलग अलग दिख रहा है इसके साथ बहन ये कितने का है ये 45 टका ये दी सुन तो बहन ये वाला ये पूरा उत्तराखंड घूमी ना ये 4500 टका में 34 का ही ले लेगा बहुत समझ में आया लेने के बाद पूरा खोल के दिखा देगा आपको साड़ी। ये हमारा ईमानदारी वाला काम, ये बहुत अच्छा है मन का। हम कैसे जा रहे हैं? हम पुजारी है ना। 4500 का ये देख एक ये है। हाँ सुन तेरे लिए एक बात कह रहे भाई, पहले सुन ले भी। एक ये कलर कोई भी ले सकते हैं, ये तू मंदिर पूजा पाठ के लिए 2, ये अम्मा के लिए 3 और ये दे रहा था ये नहीं। हम ये जो माजी है ना माँ माँ का चेहरा भारी है ना। पहले सुन ले कपड़ा देख ले एक बार, तो कपड़ा तो देख ले भाई का कपड़ा देख ले कितना बढ़िया कपड़ा देख ले इसका। हेवी साड़ी बहन हेवी साड़ी है। वो जो माजी है ना तेरा तो माता जी को ये वाला हम देके जाएगा ठीक है। इतना साड़ी आप कहेगा भाई ये नहीं नहीं ये भी ले सकते तेरा मन जो है ये 4 देके जाएगा। कलर कोई भी छाट ले मन आएगा तो ले कोई बात नहीं। हमारा पास 200, 300, 400, 500 नहीं है तो 1000 से बड़े ना। ऑनलाइन तो आ जाते हैं भैया? नहीं ऑनलाइन वाला नहीं है मां, हमारा ऑनलाइन नहीं होता है। तो दोस्तों आपको साड़ी कैसी लगी और कितने तक की लगी जरूर बताना। साड़ी कैसी लगी थी तेरे को? साड़ियाँ पसंद आई पर ली क्यों नहीं फिर? वो टका पसंद नहीं आया। नहीं यार वो रुपये को ही टका बोल रहा था उनकी भाषा ही।
4500 की हार्ट अटैक आने वाला था गाइस। 4500 तो ठीक ही कहता वैसे, वैसे चार साड़ियाँ एक साथ दे रहा ना, फिर वो अगर मम्मी से पूछो अगर एक एक साड़ी देता तो तब लेता भी ना कोई। हाँ अब 4000 रुपये किसके पास होंगे घर में एक साथ? मेरे पास तो नहीं है गाइस, मैं गरीब। मम्मी ले रहे थे 300 में 300 में साड़ी ले रहे थे कहाँ से? सिल्क साड़ी 300 में, ऐसा हुनर है पापा मम्मी तो यार जब जाने पापा गुनी भाई एक दिन मम्मी वहाँ बाजार जा रही यार जला तला लड़ा लग जाए गुनी भाई वहाँ पापा उठला बटे गायब सिद्ध पापा मम्मी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, आशा है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।